गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12 में अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना है अवकलन, मतलब डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मतलब क्या है अवकलन, क्या है, किस काम में आता था। जैसे क्लास 11 में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ भी लिया था। यहाँ पे मतलब क्या है, आपको पढ़ना है कुछ सबसे पहले महत्वपूर्ण अवकलन, जो भी मतलब क्या है फलन है उनके क्या अवकलज होंगे, उनके सूत्र आपको सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। मतलब किसी भी राशि की जो दर ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आपका अवकलन होता है। तो यहाँ पे राशि आप किस पे बदल जाएंगे, आपकी फलन में बदल जाएंगी। फलन आपका घातीय फलन हो सकता है, त्रिकोणमितीय फलन होगा, सर्वघातांकीय फलन होगा, ठीक है, लघुगुणकीय फलन होगा। इन सब के मतलब क्या है, अवकलज क्या होंगे ये आपको सीखना है। और इनका जो सिद्ध जो किया था वो प्रथम सिद्धांत के अवकलन से, प्रथम सिद्धांत था अवकलन का क्लास 11 में, उसमें आपने इनके सब के जैसे e की पावर x का अवकलन क्या होता है, ठीक है, tan x का क्या होता है, sin x का क्या है, वहां सिद्ध किया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में रखना है। तो चलते हैं सबसे पहले घात फलन पे। ये आपका d/dx इसका ऑपरेटर हो गया। ये पहला फलन है x की घात n। तो x की घात n का होता है n x की पावर n माइनस 1। x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। मैंने पावर आगे लेके आओ, ठीक है, x की घात एक कम कर दो। तो यहां से देखो सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लेके आते हैं। n की जगह 0 रखा, मतलब x की पावर 0। x की पावर 0 हो गया, 0 x की पावर 0 माइनस 1, यानी 0 से गुणा करोगे क्या आएगा, 0। अब x की पावर 0 आप जानते हो किसी भी घात 0 क्या होती है, 1 होती है, 1 का अवकलन क्या हो गया आपका, 0। यानी कि अचर पद का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। अचर पद मैंने ले लिया जैसे c, तो d/dx, ये c आपका कोई भी अचर पद है उसका अवकलन क्या हुआ आपका, 0 होगा। ओके, इसके बाद में अचर पद का हो गया। अब x की घात जैसे 1 रखी आपने, d/dx x की घात रखी यहाँ पे 1, 1 x की पावर 1 माइनस 1, यानी कि जगह 1 रख दिया, तो यहाँ हो गया 1 x की पावर 0, x की पावर 0 होती है 1। यानी कि x का x के रिस्पेक्ट में, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हुआ, 1। तो यहाँ पे ये रिजल्ट भी आप लिख सकते हो, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा आपका, 1, ठीक है। अब आगे देखो, x की जगह 2 रखोगे तो 2 x की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 x। तो यहां पर जब आप स्पीड बनानी है अपने को, ठीक है, जैसे x की पावर 3 होगा तो क्या हुआ, 3 x की पावर 3 माइनस 1, मतलब 3 x की पावर 2। यानी x की पावर 3 का x की घात 3 का कितना है, 3 x की पावर 2। यानी घात आगे आ रही है, x की घात एक कम हो रही है। जैसे x की पावर 4 का 4 x की घात 3, x की पावर 7 का 7 x की घात 6, x की पावर 100 का 100 x की घात 99। ऐसे स्पीड अप आपको बढ़ाना है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब देखते साथ पता हो जाए, मतलब x की पावर 10 का क्या होगा, फटाफट बताओ 10 x की घात, सूत्र लगाना नहीं पड़ेगा क्या होगा। अब जैसे उल्टे हो तो x की घात माइनस 1, x की घात माइनस 1 बोल दो या फिर 1 बटे x बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या हुआ, माइनस 1 x की घात माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 x की घात माइनस 2, ठीक है, या फिर माइनस 1 बटे x की घात 2, आपको ये लिखना। तो देखो यार, इससे डायरेक्ट मतलब एक चीज बनाओ आप, क्या है, 1 बटे x का मतलब होता है x की घात माइनस 1। तो देखो घात एज इट इज है, नीचे x की घात क्या है आपकी, एक ज्यादा हो रही है, इससे मतलब x है यहाँ पे क्या है, 2 है। जैसे 1 बटे x स्क्वायर का बोल दो क्या हुआ, x की घात माइनस 2, माइनस 2 लिखोगे एज इट इज, नीचे x की घात 2 रेट 3, x की पावर 3 का लिखना हो तो माइनस 3 बटे x की घात 4। ऐसे स्पीड से आपको लिखना है। फिर आ जाता है आपका अंडर रूट x, रूट में हो,
इसका रिजल्ट मिलेगी अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की घात एक बट्टे दो, एक बट्टे दो एक्स की घात एक बट्टे दो माइनस एक। ओके, तो यहाँ पे एक बट्टे दो एक्स की घात एक बट्टे दो में से जाएगा माइनस एक बट्टे दो, ये हो गया एक्स की घात एक बट्टे दो, माइनस एक बट्टे दो नीचे आ जाएगा प्लस का हो जाएगा एक बट्टे दो रूट एक्स। तो रूट एक्स का आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है क्या होगा एक बट्टे दो रूट एक्स। ओके, तो ये घात का मतलब कुछ क्या है मानक रिजल्ट आपने प्राप्त कर लिया, डायरेक्ट थोड़ा ध्यान में रखना अचल पद का क्या हुआ जीरो, ठीक है, रूट एक्स का क्या हुआ एक बट्टे दो रूट एक्स, ठीक है, x का x के साथ x एक x की घात n का आपको पता है nx की पावर n माइनस वन। अब चलते हैं यहाँ पे त्रिकोण भी किए फलों पे, साइन x का क्या होगा cos x, cos x का क्या होगा माइनस साइन x, साइन cos फिर tan, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। साइन का कोस के साथ संबंध होता है वैसे ध्यान में रखना, टेन का सेक के साथ भी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी मतलब वही चीज क्यों साइन और कोस की क्या थी दसवीं क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वही लिंक चलता है टेन का सेक के साथ है, और सेक का क्या हुआ टेन का कोट, कोट का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट का कोस के साथ होता है, टेन के बाद sec sec x का क्या हुआ sec x tan x, cosec x cosec x का क्या हो जाएगा माइनस cosec x और cot x, जहां पे भी cot लगा होगा ठीक है उसका जो अवकलन होगा वो आपका क्या आएगा माइनस में आएगा आपका, तो sin tan sec का और जहां पे cot लगा उसका माइनस, ठीक है ये ध्यान में रख लेना। उसके बाद में चर घातांक की फलन देख लो दोनों, ई की पावर एक्स का तो होता है ई की पावर एक्स ही हुई, ए की पावर एक्स का ए यहाँ पे हमारे अचल पद है, ए की पावर एक्स दो ए होता है ठीक है, और एक होता है आपका लोगरिथम लघुगणक के फलन, लोग एक्स का होता है एक बटे एक्स, ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण फलन है, ठीक है, प्रतिलोम फलन का अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो इनका आपको ये सूत्र है आपको सूत्र बढ़िया ढंग से याद करने हैं सारे के सारे, ठीक है, डायरेक्ट मतलब रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दो फलन दे रखे होंगे आपके, उनके जोड़ का अवकलन क्या होगा, घटा का अवकलन क्या होगा, गुणा का क्या होगा और माइनस का क्या होगा, ठीक है, यानी मान लेते हैं माना एक फलन एफ एक्स है उसको मान लिया मैंने यू, एक फलन जी एक्स है इसको मान लिया मैंने यू, दो फलन है जैसे एक साइन एक्स है और एक आपका क्या जैसे ई की पावर एक्स है, दो फलन दे रखे हो जोड़ में दे रखे हो, सबसे पहले मैं यू प्लस भी लिख देता हूं तो आप अलग अलग भी कर सकते हो उसको या एक साथ भी कर सकते हो, माइनस होगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई गुणा में हो आपके यू इंटू वी, तो यू बार ले लेंगे अवकलन किसका करेंगे वी का, प्लस वी बार ले लेंगे अवकलन किसका करेंगे यू का। ओके, फिर आपका यह भाग में यू बाई वी होगा, यू बाई वी हो तो नीचे वाले हर की स्क्वायर मतलब वी की स्क्वायर, जिसकी स्क्वायर की है वही बाहर लेंगे वी बाहर लेंगे अवकलन किसका करेंगे यू का, माइनस यू बाहर ले लेंगे अवकलन किसका करेंगे वी का। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके जोड़ में हो गुणा में हो या फिर क्या हो आपके भाग में हो। अब कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं इसमें जो काम में आने वाली है आपकी, क्या जैसे लोग की काम में आएगी, लोग अगर गुणा में हो एम इंटू एन
क्या होगा आपका log m प्लस log n, एक भाग में हम log m बटे n तो क्या होगा log m माइनस log n, और एक घात में हो log जैसे m की पावर n तो क्या होगा n log n, ठीक है। और एक लोग यहाँ ही हो यहाँ पे भी ही हो सेम चीज हो तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है। या कुछ आइडेंटिटीज है आपकी, अब लोग ई और ई है ये यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी वन। ये लोग की आपकी कुछ आइडेंटिटीज होगी गुणधर्म हो गए। और एक चीज लास्ट में देखिए आपके सामने आता है यहाँ ई है यहाँ लोग है यहाँ बेस इसका ई है और यहाँ कुछ भी आ जाए कोई भी लेमड़ा की जगह मतलब कुछ भी आपका हो तो रिजल्ट आपका क्या आएगा लेमड़ा के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल ई की पावर लोग ई यहाँ टू है तो रिजल्ट आपका कितना आएगा टू। एक आइडेंटिटी यहाँ अगर ए है ए के लिए लागू हुई तो भी क्या आएगा लेमड़ा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इतना ही काम में आएगा पहली एक्सरसाइज के लिए। आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इनका। तो देखो वहां पे जो अवकलन का जो नियम होगा आपका वो क्या होगा, फलनों के जो फलन होते हैं ठीक है, फलनों के फलन के रूप में आपको क्या है एक फलन दे रखा होगा ठीक है। जैसे ये दे रखा है कोई भी मतलब जैसे ये एफ एक्स है या इसकी घात जी एक्स है इसकी घात बी का है यू एक्स है, कोई भी ये फलन है इसका भी मतलब घात लगा दी इसके ऊपर और घात लगा दी इसके आगे साइन लगा दिया इसके आगे टैन लगा दिया, इस तरह से मतलब क्या है फलनों की मतलब क्या है सिक्वेंस लगेगी। तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उस श्रृंखला के रूप में ये मतलब आपको क्या करना है अवकलन होगा। अवकलन क्या होगा हर फलन का होगा, जैसे सबसे पहले टेन है तो टेन का होगा, फिर साइन है तो साइन है, फिर इसका जो घात है इसका घात ये वाला घात इसका होगा फिर इसका फिर इसका, ऐसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले है साइन एक्स स्क्वायर, पहला प्रश्न है आपका साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो डी बाई डी एक्स ये है साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक बार दिमाग में डालो, सबसे पहले फलन है साइन फिर आपका फलन है एक्स स्क्वायर और फिर आपका एक्स है ठीक है। तो आपके दिमाग में डायरेक्ट सूत्र आ जाना चाहिए साइन का क्या होता है कोस, एक्स की घात एन का क्या होता है एन एक्स की घात एन माइनस वन, एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है एक, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन क्या करेंगे, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो कोस आगे साइन का किस रहेगा वो एज इट इज आएगा यहाँ पे, फिर अवकलन किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का, ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कितना होता है टू एक्स और एक्स का वन होता है, ये आपका फाइनल आंसर होता है। इसी तरीके से दूसरा है अवकलन करना है किसका tan 2x प्लस 3, यानी कि पहले tan का होगा फिर इसका होगा, या जरा सी माइंड में tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan x का क्या हो गया sec स्क्वायर, आगे क्या है 2x प्लस 3 तो 2x प्लस 3 है, फिर अवकलन करेंगे किसका 2x प्लस 3 का आ गया sec स्क्वायर 2x प्लस 3, इसका करेंगे तो 2x का एक हो जाएगा प्लस 3 का मतलब जीरो अचर पद का, यानी 2 इंटू 1 प्लस 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 2 sec की स्क्वायर 2x प्लस 3 आपका फाइनल उत्तर आ गया। अच्छा तीसरा जो क्वेश्चन है आपका अवकलन करना है किसका साइन का फलन है कोस एक्स स्क्वायर, क्या होगा सबसे पहले साइन का होगा फिर कोस का होगा फिर एक्स स्क्वायर का होगा, तो करें अवकलन इसका, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे ये रहा कोस एक्स स्क्वायर,
फिर अवकलन करेंगे किसका, कोस एक्स स्क्वायर का, तो ये आया कोस कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है दो एक्स, साइन एक्स का कर दिया कोस एक्स, कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया दो एक्स, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते प्लस माइनस माइनस, माइनस का दो एक्स कोस कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो इस प्रकार से श्रृंखला के रूप में आपको अवकलन करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर चार है sec x माइनस वन sec x प्लस एक का अवकलन क्या होगा, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, cos में sec क्या होता है एक बटे cos x माइनस एक, ये sec क्या होगा एक बटे cos x प्लस एक, ऊपर लघुत्तम कितना आ गया यहाँ पे cos x क्या बच जाएगा एक माइनस cos x, नीचे लघुत्तम आपका आ गया cos x, तो यहाँ बच गया एक प्लस cos x, ये कट गया क्या आ गया एक माइनस कोस एक्स बटे एक प्लस कोस एक्स। ओके, सिंप्लीफाई कर लिया आपका, यहां पे इसका कर लेते हैं अवकलन। ओके, आगे एक स्टेप में लिखिए ना, यहां पे इसका क्या कर लेंगे अवकलन, तो यू बटे वी की फॉर्म है, यू बटे वी का रूप है, तो नीचे आएगा वी का स्क्वायर, अवकलन करोगे तो ये ले लिया मैंने वी का स्क्वायर, ठीक है, अभी बार ले लिए मतलब वन प्लस कोस एक्स बार ले लिए, अवकलन किसका करेंगे एक माइनस कोस एक्स का, फिर माइनस का चिन्ह, अब वी बार ले लिया यू का कर दिया, अब ऊपर वाला यू बार लेंगे वी का करेंगे वन माइनस कोस एक्स बार लेंगे, तो अवकलन किसका करेंगे एक प्लस कोस एक्स का। ओके, अब देखो वन प्लस कोस एक्स बार, वन प्लस कोस एक्स बार रखा, अवकलन करो एक का हो गया जीरो, ठीक है, फिर माइनस आएगा कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ओनली क्या बचेगा साइन एक्स, एक माइनस कोस एक्स एजिटिव, एक का हो गया जीरो, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, यहां पे लिख दिया मैंने माइनस का साइन एक्स, नीचे एक प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और देखो इसमें साइन एक्स है जो कॉमन आ रहा है, साइन एक्स मैंने ले लिया कॉमन, तो यहां बच गया एक प्लस कोस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस का एक माइनस का कोस एक्स बच गया, और नीचे क्या है एक प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, लास्ट देखो साइन एक्स आ गया एज इट इज, कोस से कोस कट गया एक और एक दो, तो दो साइन एक्स बच गया, और नीचे बच गया एक प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है रूट एक प्लस एक्स माइनस रूट एक माइनस एक्स रूट एक प्लस एक्स प्लस रूट एक माइनस एक्स, मतलब परिमेयकरण कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क क्या हो जाएगा आपका सरल हो जाएगा, तो परिमेयकरण करने पर रूट एक प्लस एक्स माइनस रूट एक माइनस एक्स अपॉन रूट एक प्लस एक्स प्लस रूट एक माइनस एक्स, करो इसका परिमेयकरण, मतलब इसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे आपको गुणा भाग करना है, ये चीज एक जैसी है तो होल स्क्वायर बन गई, रूट एक प्लस एक्स माइनस रूट एक माइनस एक्स का बन गया होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का गुणा करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर मतलब रूट एक प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट एक माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
इसको और देता हूं सोल्व, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए टी स्क्वायर मतलब इसकी स्क्वायर क्या हो जाएगी, एक प्लस है इसकी स्क्वायर एक माइनस है माइनस टू ए बी, एक प्लस एक्स गुणा एक माइनस एक्स, नीचे इसकी स्क्वायर करोगे तो एक प्लस एक्स बचेगा माइनस इसकी स्क्वायर करोगे तो एक माइनस एक्स बचेगा आपका। ओके यहां तक आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बस सिर्फ परिमेयकरण किया है आपका, फिर क्या गया स्क्वायर हो गया ऊपर वाले की नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया, एक और एक कितना होता है दो माइनस दो रूट, होल रूट आया यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे देखो माइनस का ये देखो माइनस का एक हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, तो आपका एक से एक कट गया एक्स और एक्स कितना हो गया दो एक्स। ओके अब दो कॉमन ले लेंगे यहां पर, एक माइनस रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे है दो एक्स कट गया ये, तो फाइनल आपका ये बच गया एक माइनस रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में आपका बच गया एक्स। अब इसका क्या कर लेंगे अवकलन, यहां पे लिखते तो डी बाय डी एक्स, तो यू बटे वी का रूट है तो नीचे आएगा वी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, वी का स्क्वायर हो गया आपका वी बाहर चले गया, अवकलन करेंगे किसका एक माइनस रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर का, ये एक माइनस रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया ठीक है, एक्स का अवकलन करना है मतलब सूत्र में मान रख दिया आपका। अब एक्स अवकलन रो एक का जीरो हो गया माइनस रूट का मैंने बताया था अभी रूट एक्स का कितना होता है एक बटे दो रूट एक्स, तो एक बटे दो रूट एज इट इज, रूट एज इट इज का होता है एक माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट का कर दिया, अब एक माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक का तो हो गया जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया दो एक्स, इसका आंसर देखो एक का हो गया जीरो माइनस का माइनस है, ये जो रूट है रूट का कितना हो जाएगा एक बटे दो रूट एज इट इज और इस एक का हो गया जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया दो एक्स, फिर माइनस एक माइनस रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा एक और नीचे आपका कितना है एक्स स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस ये जो दो है ये दो से दो कट गया माइनस और ये जो एक्स है ये एक्स के साथ गुणा हुआ तो गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस और नीचे है आपका एक्स ठीक है माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर और नीचे रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर है आपका। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, देखो लघुत्तम आएगा ऊपर अंडर रूट एक माइनस एक्स की स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है जो कि माइनस एक से गुणा हुआ तो रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर और रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर से करो तो एक माइनस एक्स स्क्वायर पूरे भाग में कितना है एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ गुणा में आएगा तो ऊपर देखो क्या बच गया देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया एक तो एक बच गया और एक ये बच गया और नीचे बच गया आपका एक्स स्क्वायर और रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पे एक से लेके पांच तक क्वेश्चन आपके करने हैं और ये बेसिक फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं।